तनाव एक ऐसा मौत का घर है इंसान के लिए। अगर ज्यादा किया जाए तो इंसान को मौत के मुंह में धकेल देता है, और अगर कम किया जाए तो जिंदगी बना देता है। दोस्तों, तनाव करना, टेंशन लेना, चिंता करना बुरी बात भी नहीं और बुरी बात भी है, लेकिन अधिक करोगे तो बुरी बात है, कम करोगे तो अच्छी बात है। चिंता में रहने से क्या होगा? चिंतन करके तो देखो बहुत कुछ होगा। टेंशन अगर ज्यादा करोगे तो जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन लिमिट में करोगे तो जीवन को, तुम्हारी जीवन को बर्बाद कर देता है। टेंशन अगर तुम्हारे जीवन में सार्थक बनी रहेगी तभी तो चीजों को सार्थक होने का समय ज्यादा बनता रहेगा। क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को करने के लिए या फिर इंसान को बिगड़ने के लिए काम करती है। तो हुई मतलब होता टेंशन का, या कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना, या उस चीज में के अंदर पूरी तरह से टूट जाना। तनाव में लिखना आसान है, खुशियां तो संवेदनाएं भी छिपा लेती है जनाब। कागज पर दर्ज करने से कहते हैं कि तुरंत खत्म हो जाती है चिंताएं, परंतु जो इंसान अपने मन में रखता है अपने तनाव, अपनी चिंताओं को, वो मन में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। इस बात को हमेशा याद रखना, मन में जितना अच्छा स्वस्थ रहेगा आपका जीवन उतना अच्छा शानदार और स्वस्थ रहेगा आपका। मन जितना गंदगी से भरा रहेगा जीवन उतना गंदी भरा रहेगा। जीवन कहते जिसका मन पवित्र उसका जीवन सुगंधित। जिसने जीवन में कुछ पाना चाहा उसने अपने मन को पहले जानना चाहा। मन वो है जो बड़े बड़े से वो करवा देता है जो उसने किया भी ना हो, और मन वो भी है जो बड़े बड़े ने किया नहीं हो छोटे से भी करवा देता है। मन के सुनना और हमेशा सुनते रहना दोनों में अलग अलग बात है। मन की अधिक सुनना सबसे बुरी बात है। मन को अपने मन मुताबिक सुनाना ये अच्छी बात है। तनाव 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 मुझे भाता है, क्योंकि मन मस्ती के घाव यही है, बस इकलौता यही एक घाव तुम्हें बिठाता है। इस तनाव में जनाब इस दुनिया तो आदि अपने आप को गुमा बैठी हैं, और तनाव में लिमिट में करके कुछ अपना जीवन बना बैठे हैं। टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी टेंशन ना हो तो टेंशन हो जाती है कि सब कुछ इतना अच्छा है फिर भी कैसे चल रहा है, और फिर भी इतना बुरा हो गया है। दोस्तों, टेंशन चाहे कैसी हो हमेशा इंसान को तोड़ ही देती है, लेकिन अगर हद से पार की जाए तो इंसान को पूरी तरह से तोड़ देती है। अब प्यार करके सिर्फ टेंशन मिलता है, लोग कहते हैं पहले प्यार होने पर महबूबा मिलती थी, अब प्यार होने पर टेंशन मिलती है। लोग टेंशन को ऐसे समझते हैं जैसे मेरी जिंदगी है। टेंशन से हटकर तो देखो यही एक जिंदगी है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। अगर टेंशन हद से पार की जाएगी तो पूरी कायनात भी उस चीज को तुम्हारे से दूर ले जाएगी। जो जैसा चाहता है वो अपनी लाइफ में वैसा पाता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी शिद्दत से तुम्हें वो चीज मिलेगी, लेकिन अगर टेंशन को दिल में इस तरह से बढ़ा लिया तो तुम्हें वैसे ही मिलेगी। दोस्तों, टेंशन तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन से वो हक छीन रहा है जिससे उसका हक है ही नहीं, और तुम उस हक को गंवा रहे हैं जिसका तुम हकदार हो। टेंशन ज्यादा मत करो। टेंशन करने से क्या होगा? थोड़ा हटकर तो देखो, शायद वो काम मेरे लिए अच्छा ना हो। दूसरा ट्राई करके तो देखो, वो काम मेरे लिए अच्छा हो। टेंशन एक काम से लो तो दूसरे में बढ़ जाती है, तीसरे से लो चौथे में बढ़ जाती है। टेंशन लिमिट में करो तो जीवन बन जाती है, और अगर ज्यादा करो तो जीवन बिगड़ जाती है। जो सही उम्र में ज्ञान था, धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करते थे, उनके जीवन में ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि वे अनुभवित होते रहते हैं, होते हैं। खुश इतना रहो कि चाहने वाले खुश हो जाएं और जलने वाले तुमसे ना खुश हो जाएं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हो, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हो जाए तनाव, तो परिवार से मिलने चले आना अपने गांव में तुम। जिंदगी छोटी है और ये आप निर्भर है कि इसे मीठे बनाना है या कड़वा बनाना है। हमें कोई खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद को खुश करना नहीं जान पाते। अमीरी ही आपसे अधिक संग रखती है, और गरीबी ही आपसे चुपचाप सुख शांति दे जाती है। अमीरी ही अपने संग टेंशन लाती है, और गरीबी गरीबी तो चुपचाप सुख शांति दे जाती है। अमीरी गरीबी में कुछ लोग पूछते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क यही है, अमीरी अपने साथ संग
टेंशन ले आती हैं और ग्रेवी जो चुपचाप सुख समृद्धि सुख शांति दे जाती है। समृद्धि ना मिले लेकिन सुख और शांति दे जाती है। कौन कहता है कि अपने जीवन को अमीरी में जीना चाहिए? ये जरूरी है कि अमीरी में जीना चाहिए। बस इतना पैसा होना चाहिए कि तुम्हारे सपने तुम्हारे खाने पीने तुम अपने दोस्तों का पूरा कर सको और अपने घर पे अपने सर पे छत रख सको और रोटी का तुम और कपड़ा का तुम जुगाड़ गुजारा कर सको। थोड़ा कम सोचा तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा अधिक सोचा तो अधिक जी लिया, अधिक मिला। इस जिंदगी में तनाव एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को पार से पार नीचे गिरा देती है। अगर तनाव अधिक कर लिया जाए तो पार पहुंची जिंदगी भी पीछे ला देती है। तनाव उतना करना जितनी तुम्हारे वश में हो, बेवश हो जाए तो जिंदगी को बेवश कर देता है।